कैन वी गो टू रशिया टू स्टडी मेडिसिन या कोई भी अदर सब्जेक्ट विदाउट गिविंग मनी टू एनी एजेंट और कंसल्टेंसी, या ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो कि क्या हम भैया जा सकते हैं बाहर विदाउट कंसल्टेंसी के थ्रू या मीडिएटर के थ्रू, या हमें जरूरी है कंसल्टेंसी लेना, वाकई में जरूरी है ये? तो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है, और आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस आंसर का जवाब जानने के लिए देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा कि कंसल्टेंसी को चुने बिना हम जा सकते हैं कि नहीं। तो इसके दो आंसर हैं, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो आज मैं दोनों रास्ते बताऊंगा कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। अब देखो, बेसिक इस कंसेप्ट का ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन था। पहले मेरे पास ये क्वेश्चन आता था, पर मैं नॉर्मली बच्चों को समझा देता कि ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है। पर आजकल बहुत ज्यादा आने लग गए हैं क्योंकि हर किसी को डाउट है ये वाला, और तो बताना जरूरी था ये वाला डाउट, है ना? तो वही दो रास्ते हैं, एक यस है एक नो है। सबसे पहले मैं यस वाला बताऊंगा कि अगर इसमें कंसल्टेंसी या एजेंट क्या चुनना चाहिए। तो मैं एजेंट, पहले जमाने में बोलते थे कि एजेंट के थ्रू जाओ। एजेंट में कोई भी एक आदमी इन्वॉल्व होता है ये सब करने में, जो पहले चलता था, पर आजकल एजेंट जनरली कम हो गए। तो आप कंसल्टेंसी बोल लो, ठीक है, कंसल्टेंसी बोल सकते हो, और उनको उनके थ्रू जाना पड़ता है। अब इसका आंसर क्यों है, मतलब बेसिकली क्यों जाना पड़ता है ना, आप यही पूछ रहे होंगे। तो देखो, मैं नॉर्मल सी चीज बताऊंगा कि पहले ऐसा होता था कि जो एजेंट होते थे वो क्या करते थे कि जैसे बहुत सारे मैंने जो बहुत सीनियर स्टूडेंट है उनका देखा था, एजेंट यहां से तो छोड़ देते थे पर वहां पिकअप करने के लिए कोई होता नहीं था। हॉस्टल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो एजेंट एजेंट कोई नहीं करता था। पर कंसल्टेंसी ये बनाई गई है क्योंकि कंसल्टेंसी मतलब एक तरीके के जो तुम्हें लेके जाती है वहां, ठीक, वही जो कंसल्टेंसी जो लेके जाएगी, जो तुम्हारा 6 साल के लिए तुम्हारा तुमको मतलब एज अ स्टूडेंट कि तुम उनके कंसल्टेंसी से गए हो तो तुम्हारा देखभाल करेगी और सब कुछ, यहाँ तक कि वीजा को लेके, मेडिकल इंश्योरेंस को लेके, या कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम अपने कंसल्टेंसी से वालों से ही बोलोगे, तुम किसी और से नहीं बोल सकते। एजेंट अगर होगा तो एजेंट कुछ नहीं कर सकता, बेसिकली छोड़ ओड़ के भाग जाते हैं। तो कंसल्टेंसी से ही जाओ, ठीक है। बाकी यही सब चीजें थी। और कुछ बोल रहे थे कि कंसल्टेंसी ज्यादा पैसे लेती है, तो यार देखो, ये मेरा इशू नहीं है कंसल्टेंसी ज्यादा पैसे लेती है कि कम। हम मजबूरी हमारी है, ठीक है, उनकी मजबूरी नहीं है, उनका तो काम ही है ये करना। मजबूरी तुम्हारी है कि तुमको इंडिया में सीट नहीं मिली, इसलिए तुम और मेरे जैसे लोग, या मैं और मेरे जैसे कई लोग, हम लोग कंसल्टेंसी के थ्रू बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो फिर जब ये पॉइंट आ जाता है ना, तो ये चीज मत बोला करो कि बहुत महंगी है या बहुत सस्ती है, ये वो कंपैरिजन तुम खुद कर सकते हो। आधे लोग मेरे से ये पूछेंगे, भैया कौन सी बेस्ट कंसल्टेंसी, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप इंटरनेट में सर्च करो, आपको जोन सी अच्छी लगती है, या जो कंसल्टेंसी आपको अफोर्डेबल प्राइस देती है, या जो कंसल्टेंसी सबसे अच्छी आपको लगती है, उनके वीडियोज देखो, जो जो अच्छी लगती है उनके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। कोई वो नहीं है कि आप इसी इसी कंसल्टेंसी जाओ, बहुत सारी कंसल्टेंसी, किसी से भी जाओ। पर मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जिस कंसल्टेंसी से भी जा रहे हो उसका ऑथेंटिकेशन लेटर तुम्हारे पास होना चाहिए कि वाकई में वो कंसल्टेंसी रशियन एम्बेसी से ऑथराइज्ड है या नहीं। रशियन कल्चरल फेडरेशन जो होता है, रशियन मिनिस्ट्री जो होती है, वहां से ऑथराइज्ड है या नहीं। कहीं वो कंसल्टेंसी सिर्फ इंडिया में है या बाहर भी है, ये भी याद रखना। उस कंसल्टेंसी के ऑफिस बाहर है कि नहीं ये देखना। कंसल्टेंसी का रेशियो क्या है, मतलब कहाँ कहाँ फैली हुई है इंडिया में, वो देखना, ठीक है। बाकी कंसल्टेंसी के पास जाते तो उनसे ऑथेंटिकेशन लेटर मांगना कि वाकई में अगर आप करवाते तो आप अपना ऑथेंटिकेशन लेटर दिखवाओ। जनरली कंसल्टेंसी ये सब बहुत सारी क्या करती है कि वो अपने डुप्लीकेट दिखाती हैं, जो फोटो कॉपीड रहता है वो मत देखना, उनने को बोलना ओरिजिनल दिखाओ। उनके जो चेयरमैन है या कोई भी जो बड़ा हेड है उनसे बात करना, जब तक तुम्हें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक कोई कंसल्टेंसी से मत जाओ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आजकल फ्रॉड इतने नहीं होते हैं जैसे पहले हो जाते थे, पर कोई भी कंसल्टेंसी से जाओ, बेसिक मैकेनिज्म यही होता है,
या मोड ऑफ चूजिंग कंसल्टेंसी यही होती है कि उनके पास जाके उनसे पूछो, ठीक है? अगर कोई कंसल्टेंसी मना करती है तो डायरेक्ट मुंह पे मना कर दो, हमको आपके थ्रू नहीं जाना, ठीक है? कोई कंसल्टेंसी ज्यादा पैसे लेती है तो आप उनको ये मत बोलो कि ये कंसल्टेंसी तो इतना ले रही, क्योंकि भाई सबके अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है? और बाकी में एक पॉलिटिक्स जो चलती है, या मैं जो भी बोल सकता हूँ ऐसे खुल के नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल शॉर्ट सा बता दूंगा मैं, ठीक है? कि जो रशिया में है ना, रशिया में देखो एक मिली भगत टाइप का जो चीज होती है ना, वो यहाँ होता है। रशिया नहीं, पूरा जहां जहां, चाहे यूएस ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे यूके ले लो, जहां जहां कॉलेज में बच्चे भेजते जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी का टाइप होता है पर्टिकुलर कंसल्टेंसी का। तो तुमने एक चीज जरूर याद रखना कि कोई भी कंसल्टेंसी ना कुछ जनरल कॉलेजों को ही प्रमोट करती है, ठीक है? वो कोई दूसरे का जो, अब जैसे मैं किसी एक कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बस नॉर्मल बोलूँ, जैसे कोई कंसल्टेंसी वो औरंगबक को प्रमोट कर रही है, ठीक है? कुछ कंसल्टेंसी है जो बश्केर को प्रमोट कर रही है, कुछ कंसल्टेंसी है जो अलताई मेडिकल स्टेट को प्रमोट कर रही है, जैसे तीन एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ठीक है, अब इनका क्या होगा ना कि वो चाहते हैं कि तुम उन्हीं के कॉलेज में जाओ, क्योंकि उनको शायद उसी से ज्यादा फायदा होता हो या कुछ भी होता हो, या उनके वहां पे देखो फायदा तो उनको नॉर्मल सी बातें होता है, पर वो उनमें इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि उनका वहां पे सेटअप होता है मेन, वहां पे उनकी खुद की मैस होती है। जैसे मैं औरंगबाग में हूं तो वहां पे रस एजुकेशन है, खुद का हॉस्टल है, वहां बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? वहां पे वीजा के लिए किसी से पैसे नहीं लिए जाते, वहां हम लोग से एक्सटेंड करवाने के लिए, वहां पूरा काम हम लोग का सीनियर्स करके दे देते हैं या रूस एजुकेशन करके दे देती है। मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कोई भी कंसल्टेंसी से जाते हो तो उसका जो प्रमोटेड कॉलेज होते हैं वो अगर अच्छी लगती है तो वो जाओ, या कोई दूसरे कॉलेज जा रहे हो तो वहां पे जो मेन कंसल्टेंसी का वहां जो सब कुछ है ना उससे जाओ। जैसे अगर मैं रूस एजुकेशन का बोल दूं तो इन लोग के तवेर स्टेट हो गया, या क्या बोलते हैं पाम हो गया, या औरंगबाग, यहाँ पे इन लोग के हॉस्टल वॉस्टल बहुत सारे अच्छे खासे हैं और यहाँ पे ये लोग अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? पर वहीं अगर मैं रशियन फील्ड्स की बात करूँ तो रशियन फील्ड्स जनरली अलताई मेडिकल स्टेट को प्रमोट करता है, तो उनके फैसिलिटीज वहां ज्यादा होंगे, ठीक है? तो वो जो कॉलेज प्रमोट करवाते हैं तो वहां उनके मेडिकल वो भी होगा, वहां उनका सब कुछ अच्छे से आपको वो करके देंगे। पर ऐसा मत करो कि अलताई के हो तो कहीं और जा रहे हो, या रूस एजुकेशन के हो तो कोई और, जहां की जो कंसल्टेंसी प्रमोट कर रही है वहीं पे जनरली जाने की कोशिश किया करो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंसल्टेंसी ने बोला है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जाके तुम्हें दिक्कत आएगी। एक नॉर्मल से बात है, अगर मैं ये बोल दूं कि वॉल्वो ग्रेड में रूस एजुकेशन जनरली कम करवाती है, जैसे बश्केर वहां पे भी रूस एजुकेशन कम करवाती है, मैं रूस एजुकेशन के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसी के थ्रू गया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये है कि इन लोग के हॉस्टल नहीं है, वहां जो भी पर्टिकुलर रूलिंग कंसल्टेंसी होगी उनके हॉस्टल होंगे। तो तुम ये मन में दिमाग में डाला करो कि तुम कौन से हॉस्टल में रहोगे, वहां पे फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जैसी हम लोग के यहाँ पे हैं। तो ये एक मेन फैक्टर पड़ जाता है कि मैं क्यों कंसल्टेंसी का बोल रहा हूँ, जहां के लिए बनी है उसी को चूज करो, ठीक है? उलपटांग से आओगे तो दिक्कत होगी, वो दिक्कत तुम्हें जब उस कॉलेज में आ जाओगे पर दूसरी कंसल्टेंसी से तो वो तुम्हें पता खुद पे खुद चल जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और दिक्कत वही होती है कि देखो जैसे हम लोग के त्योहार एक साथ बन रहे हैं, उन लोग के नहीं बनेंगे, ठीक है? त्योहार मतलब फेस्टिवल जो भी बोल लो, उनको अच्छी मेस प्रोवाइड नहीं होगी, या तो उनको रूम्स अच्छे प्रोवाइड नहीं होंगे, तो ये सब दिक्कत आती है। तो जो कंसल्टेंसी जहां के लिए बनी है उसके थ्रू जाओ, ठीक है? ये हो गई कंसल्टेंसी की बात। दूसरी बात कि रशिया में पर्टिकुलर कुछ कॉलेज हैं, मतलब 90% जो कॉलेज होंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी, 80 से 90% वो तुम्हारे कंसल्टेंसी बेसिस पे ही चलते हैं। रशिया में नहीं, चाइना में भी ले लो, जो मतलब फॉरेन स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है? अब जैसे तुम रशिया में होगे ना, और वहां तुम अगर यहाँ आ रहे होगे इंडिया पढ़ने, कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए रशिया की कोई कंसल्टेंसी होगी जो ये सब करवाता हो। कंसल्टेंसी एक मीडिएटर का काम करती है जिसमें बच्चों को दिक्कत ना आए। इसके पॉजिटिव फायदे भी हैं और नेगेटिव फायदे भी हैं, ये मैं अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? देन जो मैं वही बोल रहा था, आपके पर्टिकुलर कॉलेज जैसे 80% कॉलेज रशिया में ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बेस, कोई भी कॉलेज का। जैसे औरंगबाग का मैं एग्जांपल ले लूँ तो इनका रूस एजुकेशन से कॉन्ट्रैक्ट है, तो जनरली रूस है जो हम लोग जो जाते हैं तो वो रूस एजुकेशन से जाते हैं जनरली, ठीक है? क्योंकि उन्हीं के वहाँ हॉस्टल है, उन्हीं का मैस है, उन्हीं का दूसरा हॉस्टल बन रहा है, हर किसी का है। पर अगर कोई दूसरी कंसल्टेंसी का वहाँ बच्चा आएगा तो उसको थोड़ा मैसेस में उन वो कंसल्टेंसी वाले उनको कहाँ रखेंगे, या तो वो रूस एजुकेशन को ही इनडायरेक्टली पैसे दे के वो करवाएं, या तो वो अपना हॉस्टल खुद बनाए, तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हर कॉलेज का कोई ना कोई कंसल्टेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जिनसे दोनों को फायदा होता है, ठीक है? ये मतलब वो मान लो तुम,
कमेंसलिज्म बायो में पढ़ा होगा, कमेंसलिज्म या एमेंसलिज्म जो भी रहता है, मतलब एक दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म जो होता है दोनों को जिससे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार, हमें सिर्फ पढ़ने का काम है, तो ध्यान उसी में दिया करो, इनकी पॉलिटिक्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान ही है, जबरदस्ती तुम दिमाग इसमें लगाओगे तो, ठीक है। तो इन लोग के वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसी बेसिस पे ये लोग हम लोग को वहां लेके जाते हैं, पर पूरी सेफ्टी से लेके जाते हैं। कुछ बच्चे मेरे से ये बोलते हैं कि भैया रूस एजुकेशन की फ्रॉड वाली वीडियो डली हुई है, उसका मैं क्या करूं। भाई देखो, मेरे साथ वो फ्रॉड उन लोग ने किया नहीं है, ठीक है, और यहां तक कि मेरे दोस्तों के साथ भी कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो यार नॉर्मल सी बात है, मैं क्यों किसी को गंदा बोलूं जब किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, ठीक है। बात ये हो जाती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि वीडियो डालो, भाई क्यों डालो जब मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, ना मेरा कुछ खाया है, तो क्यों मतलब किसी के मारने पे तुले हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस बंदे ने मेरा कुछ बिगाड़ा, तो तुम क्यों मान रहे हो कि उसने बिगाड़ा है। तुम्हारे साथ जब तक नहीं हुआ है तो भाई सेफ रहो, मैं सेफ हूं ना। और कुछ कुछ वन टाइम पेमेंट का बोलते, तो वन टाइम मैंने भी किया, मैं भी अभी तक सेफ ही हूं यार, और आगे भी सेफ रहूंगा, बहुत बच्चे करते हैं, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई कंसल्टेंसी की बात, ठीक है, जो मैंने नॉर्मली आपको बता दी, आपको जाना उसी से पड़ेगा, और आपको अगर उनका अमाउंट सही नहीं लगता तो बेहिचक आप दूसरी कंसल्टेंसी ले सकते हो, जो आपको पसंद है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, सिर्फ रूस एजुकेशन या रशियन फील्ड्स नहीं है, बहुत सारी है, बुक माई यूनिवर्सिटी है, और कितने सारे यार, एक बार डालो हजारों आ जाते हैं, किसी से भी चले जाओ, क्या दिक्कत है ना। पर मेरी बात है, ये जनरल थोड़ी ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरी बात कि विदाउट कंसल्टेंसी या विदाउट एजेंट भी हम वहां जा सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं रशिया, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ हम जा सकते हैं, पर उसमें सिर्फ पर्टिकुलर कुछ कॉलेज इंक्लूडेड हैं। कुछ कॉलेजों के मैं नाम बता दूं तो जैसे पेवलोव मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में जो है, सेंट पीटर्सबर्ग की खुद की यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सेंट पीटर्सबर्ग में है, पीपल फ्रेंडशिप हो गई, ये सब बड़े बड़े कॉलेज है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन शेकेनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, फर्स्ट मॉस्को स्टेट जो है, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बड़ी बड़ी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कुछ काम ही नहीं होता, यहाँ पे बच्चों को खुद करना पड़ता है, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कॉलेज होते हैं, जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं, वो उसमें सीट्स ऑलमोस्ट 300 400 ठूस दो तुम, पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहेंगी, लाइक 200 300 इतने, इससे ज्यादा नहीं, बच्चों को खुद ऑनलाइन जाके करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ विदाउट कंसल्टेंसी के, जो थ्रू आप जा सकते हो, जैसे शेकेनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है मॉस्को की और पूरे रशिया की, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है शेकेनोव, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी में जाने का क्या है, आप कुछ को एडमिशन प्रोसीजर वहां का नहीं पता, तो मैं बता दूं कि एक बंदा था अभी रिसेंटली, रिसेंटली नहीं, एक महीना हो गया है, वो शेकेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैंने बहुत बात करी थी उससे, उसी का एक बार मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने उससे पूरी डिटेल्स ली थी, तो उसने मुझे ये बताया था कि भैया हम लोग को पहले, वो रूडन यूनिवर्सिटी, रूडन यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, RUDN जो करके, वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं लेती है, वो डायरेक्ट आप उसमें अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए क्या है, जो भी साइट होगी रशिया की, जैसे शेकनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी डालोगे .ru डालना, या यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट, वो आपको मिल जाएगी। इसको कोई दूसरी कंसल्टेंसी से कोरिलेट मत करना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप औरंगबाग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी डालोगे, तो वहां पे आपको जो मेन ओरिजिनल वेबसाइट है औरंगबाग की, वो आपको शो नहीं करती, आपको वहां पे वो शो करता है जो रूस है, रूस सॉरी यार कंसल्टेंसी का नाम बोल रहा हूँ, जो जितनी भी सारी कंसल्टेंसी वो डालती है, जैसे रूस एजुकेशन हो गई, बुक माई यूनिवर्सिटी हो गई, और ग्लोबल एजुकेशन हो गई, बहुत सारी एजुकेशन है यार, ये सब अपना अपना डालती है रू अपना कॉलेज का, कि क्या क्या है उस कॉलेज, पर वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें सही हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो भी सकती हैं, मेन वेबसाइट में जो है वो .com नहीं लगा रहेगा, रशिया की वेबसाइट में पूरे में .ru लगा रहता है। तो ऐसे ही आप शेकेनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी का देखोगे तो उसमें .ru डालना, जैसे ही जाओगे वहां पे सबसे पहले एडमिशन पे क्लिक करोगे। अब ये प्रोसीजर मेरे को पूरा मैंने करके नहीं देखा, जैसा उसने मुझे बताया वो बंदे ने, वैसा मैं बता रहा हूँ पूरा आप एडमिशन पे क्लिक करोगे, वहां पे फॉर्म देते हैं, वो फिल करके आप उनको रिक्वेस्ट करना कि मुझे एडमिशन लेना है, तब आपको वो लोग लिंक भेजते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बहुत अलग होता है, यहाँ जैसे हम लोग का हुआ है वैसा नहीं होता है, ठीक है। वहां के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां के एंट्रेंस एग्जाम आपके प्रॉपर लिए जाते हैं, आपको रशिया जाना पड़ेगा, वहां जाके देना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपको 80,000 एज अ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, पर वो 80,000 रिफंडेबल होती है, इफ यू आर फेल इन दैट एंट्रेंस एग्जाम यू विल बी रिफंडेड योर 80,000, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो,
ठीक है, ये सब दिक्कत होती है अगर आप विदाउट कंसल्टेंसी जाते हो। आपको खुद का वीजा बनाना पड़ेगा, खुद का पासपोर्ट ये सब बनाना पड़ेगा, खुद सब चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन आप उस यूनिवर्सिटी में जाके बैठोगे, आपके साथ सिर्फ इंडियन नहीं बैठेंगे, आपके साथ पूरे वर्ल्ड के बैठेंगे। इजिप्ट के हो गए, अफ्रीका के हो गए, जापान के हो गए, चाइना के, क्योंकि जैसे पीपल फ्रेंडशिप का मैंने देखा था, मैक्सिमम वहाँ के लोग जॉर्जिया के होंगे, अफ्रीका के होंगे, जापान, चाइना, सब जगह के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे से इंडियन स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे, पूरे फॉरिनर्स मिलेंगे। वहाँ का एनवायरमेंट ही अलग होता है। ठीक है, तो और वहाँ के सब्जेक्ट्स हो गए, हर चीज़ अलग, सब्जेक्ट्स अलग नहीं होते पर थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं यार उन लोग के बहुत। जैसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में थोड़ा और उसमें टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ी होती, फर्स्ट ईयर से उनको ज्यादा फोकस करते। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। खुद अप्लाई करोगे, खुद एडमिशन के लिए पैसे भरोगे, खुद एंट्रेंस एग्जाम उनका टफ होता है। उस बंदे ने ही बोला था भैया नीट पैटर्न थोड़ा रहता है, नीट के जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं ना, जो अपने इंडिया में होता है AIPMT जिसको बोलते, जो पहले बोलते थे अभी नीट बोलते हैं, तो वैसा ही टाइप का कुछ वहां पे एग्जाम होता है, लेवल वैसे ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है, मेरे को कितने टाइम में कितने क्वेश्चन ये मुझे नहीं पता, आपको सॉल्व करके देना है। उसमें से रैंक लिस्ट निकलती है और जितने स्टूडेंट होंगे उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। मेरा फ्रेंड था वो पास हो गया था, ठीक है, पर उसका भी कोई फ्रेंड था वो फेल हो गया था, उसने मुझे ये बात बताई थी। वो जो फेल हो गया था उसका अमाउंट रिफंड करने से पहले एक अटेम्प्ट और देते हैं, उसमें तुम फेल हो गए तो अमाउंट रिफंड कर देते हैं, अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम्हें एडमिशन बोलते हैं कि लेना है कि नहीं। अगर तब भी तुम्हारा मन नहीं है लेने का उसमें एडमिशन, तो तुम रिफंड करवा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 1 लाख या 80,000 होता है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, तुम्हें जब जैसे ही जाओगे तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टेबल खुद करवाना पड़ेगा, वीजा खुद बनवाना पड़ेगा, तो बहुत भागा दौड़ी का काम होगा। एंट्रेंस एग्जाम से बच्चे वैसे ही डरते हैं क्योंकि नीट इनको क्वालिफाई हुआ नहीं होता तो यार वहां के एग्जाम क्या ही निकालोगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बच्चों के मन में मेंटेलिटी, पर ऐसा नहीं है, लोग निकालते हैं, जाते हैं यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी में। तो आप ये प्रोसीजर कर सकते हो विदाउट कंसल्टेंसी वाला, कुछ ऐसा रहता है। थोड़ी दिक्कत जरूर आती है पर इतना मान के चलना कि वहां पे कॉलेज वालों का ना हॉस्टल होता है ना फूड होता है, वहां आपको खुद अपना हॉस्टल रशिया में जाके खुद ढूंढना पड़ेगा, अपने अपार्टमेंट, अपना हॉस्टल, अपना खाना, ट्रैवलिंग, सब कुछ आपको खुद करनी पड़ेगी। वहां आपका हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, वीजा एक्सटेंशन से लेके हर चीज, टिकट टिकट सब आपको करनी पड़ेगी अपने रिस्क में। ठीक है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी को पैसे भी देने होंगे तो आपको खुद फ्लाइट से जाके उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी चीजों में किसी को भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ सीन है एक कंसल्टेंसी से जाने का और एक नहीं जाने का। तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हूँ। ये सबसे बड़ा डाउट सेशन मान के चलो, बहुत जो क्वेश्चन थे लोगों के थे, और होप इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, सो मैं रखता हूँ वीडियो, कोई गलत चीज़ मैंने इसमें बोल दी हो तो भले मेरे को कमेंट में बता देना, और अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे बता देना। होप आपके डाउट क्लियर कर दिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई बात हो तो यार बस इतनी थी इसमें एडमिशन को लेके कि दूस ये सब, तो रखता हूँ मैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड नाइट।